हेलो गाइस, सो आई एम व्लॉगिंग स्ट्रेट फ्रॉम मेघालय। मेघालय कई बार पहले भी आई हूँ, इसलिए आप लोगों को रास्ता नहीं दिखा रही हूँ, बट यू कैन सी जस्ट यू नो द बैकग्राउंड। अभी मैं हूँ चेरापूंजी में एंड आई विल शो यू, इतना सुंदर है पीछे बैकग्राउंड। मैं सोचा कि रुक के क्यों ना यहीं से व्लॉग कर लूँ। एंड बाय द वे, आई एम स्टेइंग समवेयर नियर चेरापूंजी ओनली, सो यहाँ पे रुक के थोड़ा बहुत फ़ोटो खींचा और सोचा आप लोगों को भी यू नो व्यू दिखाऊं और व्लॉग भी यहाँ से स्टार्ट करूँ। बाय द वे, दोज हु आर न्यू टू माय चैनल, इफ़ यू लाइक द वाइब ऑफ माय चैनल, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अभी चलिए, ज़्यादा पक पक नहीं करते हुए मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ पीछे। बाय द वे, आज मैं आई हूँ मम्मी के साथ में, पीछे से हाय, और इधर हस्बैंड। तो अभी हम लोग डायरेक्टली रिजॉर्ट में जाके आप लोग से मिलूंगी, और फिर रिजॉर्ट का भी पहले शायद एक बार दिखाया था मैंने, बट आज फिर से दिखा दूंगी क्योंकि मौसम कुछ ज़्यादा ही सुंदर है यहाँ पे। और जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ आसपास 7 वाटरफॉल्स है, सो वी आर स्टेइंग अमंगस्ट द क्लाउड। और चलिए अभी फटाफट हम लोग जाएंगे यहाँ से, आधा घंटा और दूरी पे है, वहाँ पे जाके फिर आप लोगों से ब्लॉगिंग करती हूँ और मिलती हूँ। अपना यू नो रिजॉर्ट जो है वहाँ पे पहुँच गए, और पहुँचते पहुँचते काफ़ी अंधेरा हो गया। एंड ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना, ये वाला इस वाला टेंट में हम लोग रुके हैं, और इसका पूरा टूर मैं सुबह दूंगी। और एज यू कैन ऑब्वियसली सी, काफ़ी अंधेरा है हर जगह, तो देर इज़ नो पॉइंट शोइंग यू नाउ। तो सुबह का व्यू जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बाय द वे, अभी सोहरा बस्ती जो पीछे लाइट दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द बस्ती जो चेरापूंजी से थोड़ा आगे जाके सोहरा वो बस्ती है। तो होपफुली ये जगह ना बहुत सुंदर है, और सुबह जब दिखाऊंगी तब आप लोगों को पता चलेगा। बाय द वे, ये जगह मैंने पहले भी दिखाया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव डिनर सून, तो उसके बाद में विल स्लीप अर्ली टुडे। और ठंड मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा है, लाइक 18 to 22 डिग्री सेल्सियस, और हम लोग इतना गर्मी का कपड़ा भी नहीं लेके आए, बट अनबिलीवेबल कि गुवाहाटी में इतना फटाफट के गर्मी दे रहा है और यहाँ में आके इतना ठंड है। सो येस, वी आर एन्जॉइंग, और आप लोगों से होपफुली कल सुबह मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, सो उठी हूँ अभी 8 बजे, और आप लोग को व्यू दिखाती हूँ एज प्रोमिस्ड। और देख के ना आप लोग मतलब सो मेस्मराइजिंग, और पता नहीं अभी लेंस में कितना अच्छा दिख पाएगा, बट पीछे देखिए मेरे सो मतलब हवा ही इतना इसका मतलब हम लोग तो गुवाहाटी में रहते हैं, यहाँ का जो एयर है वो इतना प्योर लगता है ना सुबह उठ के। सो ज़्यादा भी बात नहीं करते हुए मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ, और पहले दिखाऊंगी माउंटेन्स, सो लेट्स सी।
गाइस, ये है मेरा कॉटेज जिसमें ये पिंक कलर टॉलिया लगा हुआ है। और कॉटेज खुलते ही कुछ इस तरह का व्यू मिलता है। और बहुत ही सुबह आके ना, सुबह सुबह का नज़ारा स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। रात को हालांकि इतना पता नहीं चलता है, बट आगे और भी है व्यू, मैं आप लोग को दिखाऊंगी। बट उससे पहले ना मैंने ब्रश भी नहीं किया है, वो पहले कर लेती हूँ, आग भी नहीं खुला है। सो यस, तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ उस पॉइंट में, और लेट मी ट्राई कि जा सकूँ नहीं जा सकूँ। बाय द वे, ये है बॉनफायर प्लेस। कल रात को हम लोगों ने किया था, ऑफ कोर्स बहुत अंधेरा था तो कोई शूट नहीं कर पाए। और यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है हम लोग का कैंप। वहां तक जाना है तो वहां जाके आप लोगों से मिलती हूँ। सब तरफ यू नो ग्रीनरी ग्रीनरी जस्ट सी। और वेदर भी अभी ऐसा होके रखा है ना, जस्ट अबोव मी देयर आर क्लाउड्स और पूरा अंधेरा है। इस तरफ देखिए पूरा फॉगी है, एंड इट इज 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब हम लोग के लिए विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम लोग को सुबह सुबह उठ के ही मतलब एसी में जाना पड़ता है, इतना गर्मी है गुवाहाटी में। एंड मैं सोच रही थी कि बात करते करते जाऊंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी, शायद ऐसा लग रहा था मुझे, बट उसे सुबह सुबह इसका चढ़ाई कर लो ना तो फिर आपको मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज का ज़रूरत नहीं है। इसलिए हिल्स के लोग ना पतले पतले होते हैं मतलब ज्यादातर। और इधर देखिए मूविंग क्लाउड्स, मैं बैक कैमरा से आप लोग को दिखाती हूँ, जस्ट वेट एंड जस्ट सी। मतलब कैमरा भी ना कैप्चर नहीं कर पा रहा, इतना सुंदर लग रहा है अभी मूविंग क्लाउड्स, जस्ट सी। मैं वो वाला वहाँ से आई और मुझे पता ही नहीं था कि सामने इतना क्लाउड्स था। अभी नीचे आई हो तो पता चला है कि मेरे टेंट के सामने भी बहुत सारा यू नो फॉगी फॉगी होके रखा था। एंड झूला भी झूलेंगे, उससे पहले हम लोग व्यू पॉइंट जाके आते हैं। तो गाइस देखिए ये है नीचे झरना जो बहुत बड़ा होके जा रहा है, और डेफिनेटली ये जगह एकदम नीचे गिरता है। बट एंड गाइज हम लोग फाइनली पहुंच गए, और नीचे देखिए ऑल यू नो क्लाउड्स। और मैं अभी बिल्कुल एकदम क्लाउड के बादल के बीचों बीच हूँ, एंड यू कैन सी द क्लाउड्स मूविंग। और इसका एक्सपीरियंस जो है ना, मैं आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती। मतलब इट्स सो सो स्टनिंग, और इतना मतलब अजीब सा फील है। मैं कई बार शिलोंग आई हूँ, चेरापुंजी आई हूँ, बट ये वाला जो फील है ना, ये मतलब हर बार ही एक नया सा लगता है।
अभी वहाँ झूले में जा रही हूँ और इतना सुंदर लग रहा है यहाँ से ही, सो जाके वहाँ से मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और मैं नीचे तो वाटरफॉल में नहीं जाना चाह रही थी, बट मन कर रहा था कि आप लोग को दिखाऊं, क्योंकि पता नहीं फिर से कब आना हो और कब आप लोग को दिखा पाऊं। तो सोच रही हूँ तो कि फाइनली नीचे उतर ही जाऊं, बट थोड़ा डर रही थी कि रास्ता एज़ यू कैन सी थोड़ा ख़राब था, बट आई कैन सी पीपल ओल्डर देन मी नीचे जाते हुए एकदम आराम आराम से। तो मैंने सोचा वाई नॉट लेट मी गिव इट अ ट्राई फॉर ऑल ऑफ़ यू गाइज, और इतना तो बनता है ना आप लोग के लिए। तो फाइनली अभी मैं डरते डरते नीचे जा रही हूँ एक हाथ में कैमरा पकड़ के, थोड़ा रिस्की है बट लेट्स सी नीचे क्या है। वैसे काफ़ी सुंदर है वैसा तो लोग बोल रहे हैं, एंड अभी जाके पता चलेगा कैसा है। और यहाँ पे आके इतना वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, लाइक जस्ट लुक एट द वाटरफॉल बिसाइड मी, और नज़ारा मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पाता है, इतना सुंदर व्यू है। तो होपफुली नीचे भी है जहाँ लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं, वहाँ जा सको तो जाऊँगी, रास्ता बहुत स्लिपरी है वैसे। और ये एकदम नीचे आ गई मैं और वाटरफॉल यहाँ से ऐसा लगता है, सो आई लेट यू एंजॉय द साउंड ऑफ द फॉलिंग वाटर। तो मैं यहाँ पे अपना अच्छा एंजॉय कर रही हूँ कुछ इस तरह के व्यू के साथ में, और हम लोग वहाँ से चढ़ के आए हैं अपने यू नो रिजॉर्ट से, और दिस इज द वे टू द वकावा फॉल जो थोड़ा देर पहले आप लोग को दिखाया था, और दिस इज द मेन रोड। और आज वैसे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मेक आउट फ्रॉम द वेदर कि क्यों आए हैं आज इतना सारा टूरिस्ट, जस्ट सी हाउ मिस्टी एंड क्लाउडी। और यहाँ से मैं अपना यू नो रिजॉर्ट भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ। और वो रहा मेरा रिजॉर्ट जो एकदम क्लाउड के बीचों बीच ढका हुआ है, एंड गाइस व्हेनेवर यू कम टू चेरापुंजी यू मस्ट स्टे एट दिस रिजॉर्ट, इट इज नियर टू द वकावा फॉल्स। पापा एक हक्का दे दी।
How much pineapple? 20. 20? Give me one. No. Thank you. वी आर फाइनली चेकिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेस. और लास्ट टाइम वीडियो में काफ़ी लोग मेरे से लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे, तो लोकेशन तो मैंने खैर बता ही दिया. इट इज़ नियर वाखाबा फॉल्स. और कॉन्टेक्ट पर्सन भी मुझे पूछ रहे थे, तो ईमेल्स का इतना सारा जवाब देना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए मैं डायरेक्टली वीडियो में बता दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी. द कॉन्टेक्ट पर्सन नेम इज़ नियोम, ही इज़ द मैनेजर. हाँ, काफ़ी हाफ रही हूँ मैं, काफ़ी छड़ा करके आना पड़ा. बाय द वे, ही इज़ द मैनेजर ऑफ़ द रिजॉर्ट. और उसका फ़ोन नंबर मैं यहाँ कहीं पे दे दूँगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी. बोल लीजिएगा कि फारिया से मिला है एड्रेस और फ़ोन नंबर, तब वो थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी दे देगा. दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो बाय द वे इन एनी वे. सो यस, सो वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम हेयर. अभी देखती हूँ सोहरा तरफ किधर जाती हुआ. सो सी यू सून. सो फिर से हम लोग आ गए और एक जगह रिजॉर्ट में, और इसका भी व्यू एकदम क्लाउड के बीचों बीच. वो रही मम्मी, उधर है हस्बैंड जो यहाँ से दिखाई नहीं देंगे, तो मैं आप लोग को लेके चलती हूँ. अभी हम लोग आ गए हैं एक और रिजॉर्ट में, और यहाँ पे इतना ठंड है कि मुझे सर्दी लग गया है. सो चेरापूंजी का एक बार मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ड्यूरिंग द समर्स, कि आपका मन ख़राब हो या यू आर इन सर्च ऑफ पीस, थोड़े देर के लिए आपको पीस ऑफ माइंड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप रिलैक्स भी करना चाहते हो, तो फिर अपना माइंड फ्रेश करके वापस घर जाने का ये सबसे बेटर प्लेस है. और जगह देख के ही मतलब पता चलता है, इट इज़ सो वेरी पीसफुल, मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है. और मैं यहाँ के अपना सारा टेंशन, अपना सारा जो तो भी दिमाग में कचरा भरा होता है ना, वो सब भूल के फिर से नए से एकदम फ्रेश माइंड के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ अपना जर्नी. और यहाँ बातों बातों में हम लोग अभी वापस
घर की तरफ चलने को लगे और यहाँ से मेरा मन थोड़ा थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि इतना सुंदर जगह कौन छोड़ के जाना चाहेगा। मतलब यहाँ पे आके वाकई में मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, वो सब भूल के थोड़ा देर के लिए मैं एकदम जैसे खो गई थी नेचर के बीच में। पर एनीवेज लाइफ में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है, तो यू ऑलवेज हैव टू मूव ऑन, तो हम लोग भी वही कर रहे थे। आप लोग जब भी शिलोंग आए और शिलोंग में एथनिक फूड खाने का मन हो तो ये है वाकापा फॉल्स, जो मैंने थोड़ा देर पहले आप लोग को दिखाया था। वाकापा फॉल्स के जस्ट ऑपोजिट में है ये वाला दुकान, पहला वाला जो दुकान है एकदम रास्ते से, तो ये आंटी का दुकान है। आप आइएगा यहाँ पे, यहाँ पे दुकान में आपको शिलोंग का एथनिक फूड भी मिल जाएगा, प्लस आपको मसाला कम और एकदम होमली खाना चाहिए तो आंटी का दुकान में मिल जाता है, और प्राइस इतना कम है। अभी हम तीन जनों ने खाया है, यू बिलीव कि कितना पैसा आया है, इट्स हार्डली अराउंड 200 रुपीज़। यस, सो दैट्स चीप इट इज़। सो शिलोंग आइएगा, वाकापा फॉल तो चेरापुंजी में आप लोग ज़रूर देखिएगा, तो आंटी का दुकान भी एक बार विजिट करिएगा। मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रही हूँ, बहुत अच्छा दुकान है ये। तो ये दुकान मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, क्योंकि वाकई में मैं लास्ट टाइम में जहाँ यहाँ पर आई थी तो मैं खाई थी, तो वहाँ से आप चेरापुंजी का रास्ते में आएंगे तो इस तरफ आप सोहरा जाएंगे। तो ये तो हो गया वाकापा फॉल, और इसका ठीक सामने जो पहला दुकान है वही है आंटी का दुकान। सो गाइज, अभी हम लोग चेरापुंजी से निकल रहे हैं, एंड यू कैन सी एंड मेक आउट बाय माय फेस, आई एम ऑल टैन्ड। हालांकि यहाँ धूप तो नहीं है, बट फिर भी सनबर्न बहुत ज़्यादा हो रहा है और सनस्क्रीन भी काम नहीं कर रहा है, आई एम ऑल रेड, यू कैन सी। सो यस, आंटी का दुकान में मैंने खाना वाना खा लिया है आराम से पूरा पेट भर के, अभी शिलोंग जाऊंगी। आज शिलोंग में मार्केट तो ज़्यादातर बंद रहते हैं संडे को, और हम लोग तो वीकेंड को ही टाइम निकाल पाते हैं, इसलिए आज तक आपको यू नो शिलोंग का मार्केट का जो अंडरग्राउंड मार्केट है ग्लोरी प्लाजा, उसका कभी यू नो आप लोग को टूर ही नहीं दे पाई हूँ मैं, होपफुली समडे, क्योंकि शिलोंग का आना जाना होता रहता है। बट देखती हूँ अभी शिलोंग में बाहर फ्रूट्स भी बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, लेट्स चेक आउट की वहाँ पे अभी क्या क्या है। वैसे बाहर में तो पुलिस बाजार में मार्केट थोड़ा बहुत खुला रहता है, तो मार्केट भी एक्सप्लोर करूँगी, और शिलोंग आऊँ पुलिस बाजार ना जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता है। सो आई विल मीट यू गाइस देयर, एंड आई एम सो टायर्ड, लाइक सुबह से घूमते 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 नाउ फाइनली शायद होपफुली शिलोंग अभी 3 बजे तक पहुंच जाऊं, फिर वहां जाके आप लोगों से मिलती हूं। शिलोंग का लोकल बेरीज है, बहुत ही टेस्टी है खाने में, और यहाँ सोचा फ्रेश सब्जी वगैरह का भी शॉपिंग कर लो, क्योंकि हिल्स में एकदम ऑर्गेनिक सब्जी मिलता है फ्रेश, बिना कोई यू नो पेस्टिसाइड और हार्मफुल केमिकल्स, तो देख ही सकते हैं कलर से कितना फ्रेश है, और सोचा घर के लिए लेके जाऊँ।
घर में जाके फिर से किचन में घुसना पड़ेगा, फिर से खाना बनाना पड़ेगा। वो बहुत सोच के कैसा लग रहा है। ये कुटिया से दोनों लेगा। और यहाँ पे ये जो है ना, ये तो चाय मैंने पहले भी दिखाया है, वो काफी कॉमन है। ये है एलिफिनोस। और ये जो है ना, ये नया सा सब्जी देखा। दिस इज बाय द वे टाइप ऑफ क्यूकम्बर, जिन लोगों को नहीं पता है, सब्जी बना के पिकल बना के खा सकते हो या फिर कच्चा भी।